हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन से यानी कि 4 अप्रैल 2019 से करंट अफेयर के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में। सभी क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। कुछ ना कुछ जीके जीएस के प्रश्न और पिछले करंट अफेयर के प्रश्न को मैं रिवाइज कराऊँगा, इसलिए इस वजह से पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इसके साथ ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। जुड़ने का प्रोसेस आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं दोस्तों लास्ट डे का क्वेश्चन। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें पहला था इंडिया ओपन 2019 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो इंडिया ओपन 2019 में दोस्तों महिला एकल का खिताब जीता था रत्न्यानोक इंतानोन ने। किसने? रत्न्यानोक इंतानोन ने, और इन्होंने इनको हरा करके जीता था, ही विंग जे जाओ को हरा करके। ठीक है, नेक्स्ट था अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स के मालिक कौन है। तो इसके मालिक हैं एलन मस्क। ठीक है, इन्होंने ही टेस्ला कार भी इन्हीं की कंपनी ने बनाई है। ठीक है, अब दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया था उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, एडीबी के अनुसार 2019 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। तो एडीबी ने दोस्तों यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को घटा दिया है और अब कर दिया है 7.2%। ठीक है, एडीबी के अनुसार इंडिया की ग्रोथ रेट होने वाली है 7.2% 2019 में। ओके, भारत की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन इसके साथ ही दोस्तों एडीबी ने यह भी बताया है कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बनी रहेगी। आपको पता हो कि भारत हमारा जो है वो दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला देश है। ठीक है, तो इसकी जीडीपी 2019 में 7.2% है एडीबी के अनुसार। ठीक है, एडीबी ने अनुमान लगाया है। और एशिया का भी बताया है, तो एशिया की ग्रोथ रेट रहेगी 2019 में दोस्तों 5.7%। कितना? 5.7% रहेगी हमारी पूरे एशिया की ग्रोथ रेट। और इसके साथ ही ये भी रहेगी ये 2019 में, तो 2020 में रहेगी कितना? 2020 में भी इन्होंने बताया है 5.6%। ठीक है, 5.7% ये 2019 में, 5.6% ये 2020 में। क्लियर है? अब ये तो रही एडीबी की रिपोर्ट। हम लोग रिवाइज करते हैं पुराने कुछ और रिपोर्ट की। तो मैंने आपको अभी कुछ ही दिन पहले आपको बताया था फिच रेटिंग ने भी अपनी रिपोर्ट में घटाया था इंडिया की ग्रोथ रेट को, और कितना कर दिया था? 2019 के लिए कर दिया था 6.8%, 2020 के लिए और 2021 के लिए कर दिया था 7.0% ग्रोथ रेट इंडिया की। क्लियर है? तो इसको भी आपको याद रखना है। बात करते हैं एडीबी की। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की हल्दी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। तो अभी हाल ही में दोस्तों उड़ीसा की, बेसिकली ये साउथ उड़ीसा की यानी दक्षिणी उड़ीसा में पाई जाने वाली एक हल्दी है। कौन सी हल्दी है वो? कंधमाल हल्दी। तो कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, कंधमाल हल्दी ये पाई जाती है उड़ीसा के, दक्षिणी उड़ीसा में। तो इसको जीआई टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग अभी हाल ही में दिया गया है। अब ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है? मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर किसी प्रोडक्ट की वजह से वो पूरा का पूरा एरिया जहाँ पर उसकी पैदावार होती है वो पहचाना जाने लगता है, यानी कि उसको एक पहचान मिल जाती है, तो उस एरिए को जीआई टैग दे दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे दिया जाता है, भौगोलिक संकेत दे दिया जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार दक्षिणी उड़ीसा के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दे दिया गया है। अच्छा, अभी हल्दी से याद आया कि कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक अपर्दित हल्दी थी, अपर्दित हल्दी को भी जीआई टैग दिया गया था, लेकिन वो कहाँ की थी? वो तमिलनाडु की थी। ठीक है, तो अगर आपसे अपर्दित हल्दी पूछी जाए तब आप बताएंगे तमिलनाडु की अपर्दित हल्दी को जीआई टैग दिया गया। अगर आपसे कंधमाल हल्दी पूछा जाए तब आप बताएंगे उड़ीसा के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। ओके, उड़ीसा आया है तो उड़ीसा के बारे में देख लीजिए। मैप में उड़ीसा आपको दिख रहा होगा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, और उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं KS झावेरी यानी कि कल्पेश सत्यदेव झावेरी। उड़ीसा में ही दोस्तों बहती है महानदी और महानदी पर बना है हीराकुंड बांध। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया? तो अभी हाल ही में दोस्तों अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया। अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे कौन? ये थे दोस्तों अब्देल अजीज बुटफ्लिका। क्या थे? अब्देल अजीज बुटफ्लिका थे अल्जीरिया के राष्ट्रपति। इमेज में जैसा कि आपको देख रहे हैं, ये 20 वर्षों तक शासन किए थे, यानी कि अब 20 वर्षों तक ये कार्यकाल संभाले थे अल्जीरिया का। तो इनको एक अटैक भी आ चुका था, तो इस वजह से काफ़ी दिनों से गायब रह रहे थे। तो लेकिन जब ये 25वां कार्यकाल अपना फिर से ग्रहण किए, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध उत्पन्न होने लगा, वहाँ की जनता द्वारा, वहाँ के पब्लिक द्वारा काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा। तो इस वजह से इनको दबाव में आकर इस्तीफा देना पड़ गया। ठीक है, अल्जीरिया के राष्ट्रपति थे, कौन थे? अब्देल अजीज बुटफ्लिका। ओके, अब अल्जीरिया आया है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। अल्जीरिया की राजधानी होती है दोस्तों अल्जीयर्स। क्या होती है? अल्जीयर्स होती है अल्जीरिया की कैपिटल। यहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी होती है अल्जीरियाई दिनार। क्या होती है? अल्जीरियाई दिनार होती है यहाँ की मुद्रा। क्लियर इतना? चलिए अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है, आईपीएल में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर कौन बने? तो आईपीएल में हैट्रिक लगाने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर बन गए हैं दोस्तों सैम कुरन। कौन? सैम कुरन, जो कि किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ, किसके खिलाफ? दिल्ली कैपिटल के खिलाफ आईपीएल में हैट्रिक लिया, और इसी के साथ ये सबसे कम उम्र के प्लेयर बन गए हैं हैट्रिक लेने वाले। ठीक है, सैम कुरन, मैंने बताया किंग्स इलेवन पंजाब से ये खेलते हैं। तो आइए जानते हैं किंग्स इलेवन पंजाब के टीम के बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ के टीम के कैप्टन हैं आर अश्विन, किंग्स इलेवन पंजाब के। किंग्स इलेवन पंजाब टीम की दोस्तों कोच हैं माइक हसन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों आईपीएल टीमों के मालिक का नाम भी पूछा जाता है, तो किंग्स इलेवन पंजाब के मालिक कौन है टीम की? इसके मालिक हैं प्रीति जिंटा हैं, नेस वाडिया हैं, और भी लोग हैं, काफ़ी लोग की पार्टनरशिप में ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर है प्रीति जिंटा का। ठीक है, तो आईपीएल से आपके एग्जाम में इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ था तब क्वेश्चन ये सब पूछे भी गए थे। इसी वजह से मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बनाई है, एक स्पेशल वीडियो आईपीएल की, तो आप लोग आईपीएल मिश्रा जी टेक्निकल सर्च करके वो वीडियो पा सकते हैं यूट्यूब पर। उसमें ये सारी डिटेलें दी हुई हैं सभी टीमों के बारे में। ठीक है, जितनी भी 8 टीमें खेल रही हैं इस समय आईपीएल, उन सभी टीमों के बारे में डिटेल जानकारी दी हुई है उस वीडियो में, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 100 से ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाला तीसरा खिलाड़ी बन गया है? तो अभी हाल ही में विराट कोहली दोस्तों 100 से ज़्यादा मैचों में आईपीएल में कप्तानी करने वाला, कैप्टनसी करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अब ये तीसरे खिलाड़ी बने हैं, तो पहले और दूसरे कौन हैं? पहले खिलाड़ी दोस्तों हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो चेन्नई सुपर किंग की कैप्टनसी करते हैं, और इन्होंने 162 मैचों में कैप्टनसी की है। ठीक है, 162 मैचों में कैप्टन रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। सेकेंड पर हैं गौतम गंभीर। कौन है? गौतम गंभीर, 129 मैचों में इन्होंने कैप्टनसी की है, हालांकि अभी ये संन्यास ले चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये 129 मैचों में कैप्टनसी किए हैं। ओके, इसके बाद नंबर आता है विराट कोहली का, जो कि अभी हाल ही में 100 से ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं इंडिया के। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस नदी पर मैत्री ब्रिज बनाया? तो अभी हाल ही में भारतीय सेना ने दोस्तों सिंधु नदी पर बनाया है मैत्री ब्रिज। अब ये जो मैत्री ब्रिज है दोस्तों, ये भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, यानी कि झूलता हुआ पुल है। 260 फीट की इसकी लंबाई है टोटल। कितनी? 260 फीट की लंबाई है इसकी। सिंधु नदी पर ये बनाया गया है दोस्तों, और ये बना है टोटल 40 डेज में। ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में, 40 दिनों में ये कंप्लीट किया गया है। ठीक है, मैत्री ब्रिज सिंधु नदी पर ये बना है। ओके, अब भारतीय सेना आया है, तो आपको इससे दो पॉइंट पता होने चाहिए। एक तो भारतीय सेना दिवस, जो कि मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को। ठीक है, दूसरा, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दुनिया का पहला पूर्ण रूप से विकसित 5G मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया है दोस्तों दक्षिण कोरिया ने, साउथ कोरिया ने। ठीक है, ये 5G नेटवर्क दोस्तों, जो एक सेकंड से कम समय में भी एक मूवी को डाउनलोड कर सकने वाली क्षमता रखता है। अगर हम लोग कंपेयर करें 4G से, तो 4G से ये इस बार, इसका जो दक्षिण कोरिया का है, ये
20 गुना है, ठीक है, 20 गुना तेज फास्ट ये वर्क करेगा 4G से। ओके, अभी मैंने आपको कुछ ही दिन पहले आपको बताया था कि चाइना का एक संघाई शहर है, वो दुनिया का पहला 5G नेटवर्क यूज़ करने वाला पहला शहर बना था, लेकिन दक्षिण कोरिया पहला देश बन गया है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो संघाई शहर था वो दुनिया का पहला शहर बना था 5G नेटवर्क कवरेज यूज़ करने वाला और ब्रॉडबैंड गीगाबिट यूज करने वाला, ठीक है। तो अगर आपसे शहर के बारे में पूछा जाए तब आप बताएंगे संघाई, चाइना का शहर, और अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला देश पूर्ण रूप से विकसित 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला तब आप बताएंगे साउथ कोरिया। ओके, साउथ कोरिया से दोस्तों एक पॉइंट और याद आया, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया ने इंडिया को हराकर जीत लिया है अजलान शाह कप। कौन सा? अजलान शाह हॉकी का जो कप होता है, तो अजलान शाह हॉकी कप 2019 इंडिया को हरा करके साउथ कोरिया ने जीत लिया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ओके, अब साउथ कोरिया की थोड़ा सा बेसिक जानकारी ले लीजिए। साउथ कोरिया मैप में देख लीजिए, यहाँ की राजधानी होती है, यहाँ की कैपिटल होती है सियोल। सियोल से याद आया, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी को मिला था सियोल शांति पुरस्कार, ठीक है। तो सियोल शांति पुरस्कार 2018 मिला किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मून जेई इन। और दक्षिण कोरिया की यानी साउथ कोरिया की करेंसी होती है दोस्तों वान, इतना आपको साउथ कोरिया से भी पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सैफ्रन स्वार्ड नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो सैफ्रन स्वार्ड नाम के पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों मनोषी सिन्हा रावल। कौन है? मनोषी सिन्हा रावल, इन्होंने ये पुस्तक लिखा है सैफ्रन स्वार्ड्स। दरअसल इस पुस्तक का पूरा नाम है सैफ्रन स्वार्ड्स सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेसिस्टेंस टू इन्वेस्टर्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सैफ्रन स्वार्ड सेंचुरीज ऑफ इंडिक रेसिस्टेंस टू इन्वेस्टर्स। इस बुक में दोस्तों बेसिकली लगभग 1300 वर्षों में, पिछले 1300 वर्षों में 52 युद्धों के बारे में बताया गया है, जिनके किस्से कहानियाँ लगभग सभी को नहीं पता होते हैं। उन 52 युद्धों के बारे में बताया गया है इस बुक में, जो पिछले 1300 वर्षों में हुए हैं, ठीक है। तो इस बुक को पब्लिश किसने किया है? इस बुक को पब्लिश किया है गरुण प्रकाशन ने, ठीक है, गरुण पब्लिशर्स ने इसे पब्लिश किया है। इसको लिखा किसने है? मनोषी सिन्हा रावल। क्लियर है? किसने लिखा है? मनोषी सिन्हा रावल ने। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किस देश ने घोषणा किया है कि उसके नए शाही युग का नाम रीवा होगा? तो अभी हाल ही में दोस्तों जापान ने अपने नए शाही युग की घोषणा की है, जिसका नाम इसने बताया है रीवा। क्या नाम बताया है? रीवा। ये 1 मई से शुरू हो जाएगा इनका नया शाही युग, रीवा। ओके, वर्तमान युग कौन सा है? वर्तमान युग इनका हेसी नाम से चल रहा है। किस नाम से? हेईसी नाम से, ठीक है। तो जापान का ये शाही युग होता है, ये अप्रैल में समाप्त हो जाएगा हेसी, तो मई से, 1 मई से शुरू हो जाएगा रीवा। ओके, जापान ने इस रीवा वर्ड के बारे में बताया है कि बेसिकली ये चाइनीज़ वर्डों से मिलकर बना है, 2 चाइनीज़ वर्डों से, एक का अर्थ होता है अच्छा, दूसरे का अर्थ होता है शांति या सद्भाव, ठीक है। जापान का ये शाही युग है, तो हम लोग जापान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा और। जापान मैप में देख लीजिए, जापान की राजधानी होती है टोक्यो। टोक्यो में होना है 2020 का ओलंपिक गेम, समर ओलंपिक गेम। जापान के पीएम हैं शिंजो अबे। जापान की मुद्रा होती है येन। जापान की संसद का नाम होता है डाइट। क्लियर है? जापान भी पड़ता है हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में, और जापान को ही दोस्तों कहा जाता है उगते सूरज का देश। ओके, क्लियर है? तो बस दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके शेयर करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाने का प्रयास करता रहता हूँ। इसके साथ ही दोस्तों मंथली करंट अफेयर वीडियो आ चुकी है, तो आपने अगर नहीं देखा है, अभी तक नहीं देखा है, तो वो वीडियो देख लीजिए। वो वीडियो दोस्तों मैंने 31 मार्च को ही पब्लिश कर दिया था, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर देख लीजिए वो वीडियो को, ठीक है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का पहला क्वेश्चन है मैक्सिकन ग्रांड प्री 2018 किसने जीता? ध्यान से देखिएगा, मैक्सिकन ग्रांड प्री 2018 की बात हो रही है, किसने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISSF विश्व चैंपियनशिप 2019 कहाँ आयोजित हुआ? इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो, जो भी चीज़ें याद हो, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो लोग डिटेल में आंसर करेंगे उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पहले आप बात कर लेते हैं कि कल की वीडियो के आंसर किन किन लोगों ने दिए हैं डिटेल में।
उनके नाम हैं संगीता रावत, नेहा सिन्हा, एहसान अली, कल्याण दास, महेश मोड़े, ललित यादव, कुंदन कुमार, जिलानी मिर्जा, संजय गुप्ता, विधु सिनोदिया, अंजना संजीव सिंह, सत्यम राय, संजय गुप्ता और कुंदन कुमार। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। तो बस दोस्तों, फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारी मिल जाएगी, तो वहाँ से PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.